अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नई वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, सूफियाज कुक हाउस में आप सभी शेफ्स का वेलकम। सूफियाज कुक हाउस में आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक स्वीट डिश, बहुत ही नई सी स्वीट डिश और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में आपको बना के दिखाएंगे। और ये आपने अभी तक कभी कहीं मार्केट में भी नहीं देखा होगा और इसका नाम भी नहीं सुना होगा। ये मेरे घरों में पहले बनाती थी मेरी अम्मा की दादी वगैरह, तो हमने सोचा कि लाओ ये ट्राई करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। इसका नाम है महबूबी पराठा। तो इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप मैदा ले लिया हमने, ये आपको मैदा दिख रहा होगा, 1.5 कप मैदा ले लिया हमने। और इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून घी, तो हमें 3 टेबल स्पून हमने लिया है, लिक्विड करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। और हमने 1 लेमन लिया है, ये सिरप बनाने में यूज़ करेंगे। और इसके लिए हमें चाहिए चाशनी बनाने के लिए हमें 1 कप शक्कर चाहिए। तो चलें हम इस आटे को गूंद लेते हैं। आटे को गूंद करके इसको हमें 1.5 घंटे के लिए रखना होगा, उसके बाद फिर हम दिखाते हैं कि कैसे करना है। पहले हम घी को अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। ऐसे घी मिक्स करने के बाद आपका आटा ऐसे बन जाना चाहिए, ऐसे, ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे से बन जा रहा है, इसका मतलब घी परफेक्ट है इसमें। अब हम इसको थोड़े थोड़े से पानी से सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट सा डो तैयार हो गया मेरा, ये बहुत ही अच्छा सा दिख रहा होगा ये आपको कैमरे में, और बिल्कुल क्लीन ये है। और इस तरीके से प्लास्टिक में करके या किसी चीज़ से कवर के करके आप रख दें, ताकि ये ऊपर वाली चीज़ सख्त नहीं होनी चाहिए। 1 घंटे के बाद फिर मिलते हैं, तो दिखाते हैं इसको कैसे बनाना है, कैसे ढक देते हैं। तो चले हम लोग ये चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 कप पानी और 1 कप शक्कर। इसको थोड़ा सा ला देंगे, इसको मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इसको बस एक तार तक, जब हाथ में निकाल करके देखेंगे तो बस हल्का सा चटचटापन आ जाना चाहिए, फिर उसके बाद इसको बंद कर देंगे। और हम इसमें डालेंगे, जब थोड़ा सा बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें 1 लेमन डाल देंगे, लेमन का जूस। और ये देखें हमने जो आटा था उसके 1.5 कप मैदे में इतनी सारी छोटी छोटी पूरी के बराबर, पूरी के साइज़ की लोई बना के रख ली। इसको भी असल में लोई इसलिए बना ली कि इसको भी लोई बना करके भी हमें रखना है 10 मिनट तक, तब इसकी रोटी हम लोग बेलेंगे। थोड़ा सा ड्राई मैदा ले लेंगे, ये देखें रोटी कितनी ट्रांसपेरेंट है, मेरी सारी फिंगर्स दिख रही है, पतली रोटी बेलनी है। इस पे हम घी लगाएंगे और इस टाइम घी थोड़ा अच्छे से लगाएंगे, ताकि जितना अच्छा घी लगाएंगे उतना अच्छा वरक उठेगा इसका। फिर इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा मैदा। अब हमने इस पे मैदा डाल दिया। अब हम इसकी ऐसे जैसे हम लोग पंखे बनाया करते थे ये पेपर के, इस तरीके से इसके ऐसे प्लेट डालेंगे। ऐसे घुमाएंगे इसको पगड़ी किस तरीके से, ये देखो ऐसे। और ये लास्ट वाला जो पार्ट है ना, इसको हम इसके अंदर घुसाएंगे, इसको अच्छे से घुसाएंगे, वरना फिर ये जो है निकल आएगा फ्राई करने में। तो इसको आप ठीक से घुमा दें और फिर उसके बाद इसको हल्के हाथ से हम लोग बेलेंगे। अब हम इसमें नींबू डाल देंगे। देखिए इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया यहाँ पे नीचे, ऑयल या घी जो भी आप लगाएं, और फिर हाथ से ही ऐसे इसको बड़ा करना है। और फिर तेल भी तैयार हो गया और चाशनी भी हम दिखाते हैं। चाशनी भी तैयार है, हल्का सा चटचटापन आ जाना चाहिए शीरे में, बहुत ज़्यादा तार वाला नहीं, बस एक तार का हो गया ये। अब चाशनी को हमने बंद कर दिया है, चलिए ऑयल को चेक कर लेते हैं। ऑयल बहुत ही अच्छा सा गर्म हो गया है ये फ्राई करने के लिए, जितना हमें चाहिए। हल्का हल्का सा बबल्स आ रहा है इसमें,
तो अब हम एक एक करके डालेंगे अब ऑयल में इसको। अब इसको कब भी ऐसे करके इसको उठाएंगे जरा जरा सा ऐसे ऐसे करके, इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे करके खोलेंगे इसका वर्क। इसको तलने के लिए भी नीचे नीचे के साइड से ऐसे ऐसे उठाना है। तो देखिए ये कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। जबरदस्त क्रिस्पी सा ये वर्की महबूबी पराठा बनके तैयार होगा। तो देखिए इस तरीके से हमने 30-40 सेकंड के लिए एक तरफ छोड़ दिया था और पूरी डिप होनी हो जानी चाहिए। आप पतीली को थोड़ा सा ऐसे कर दें। चूल्हा मेरा ऑफ है और ये इसको करने के बाद जब पूरे में अच्छे से शीरा लग जाए तब हम इसको निकालेंगे। एक मिनट के लिए आप छोड़ भी सकते हैं इसको। तो अब हम डिश आउट करते हैं इसको। तो देखिए ये जबरदस्त महबूबी पराठा बनके तैयार है। और ये जो पिस्ता हमने गार्निश किया ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें डालें। और आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी अगली फरमाइश करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं सोफिया'स कुक हाउस में एक नई सी मज़ेदार डिश के साथ। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।